हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 9 चैप्टर की लास्ट क्लास कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जब चलाएंगे तब हम आगे की नई वीडियोस बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। ज़्यादा आज बड़ी वीडियो नहीं आएगी, छोटी सी वीडियो है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बस इसीलिए मैंने वीडियो लास्ट क्लास में रोक दी थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। लो भाई, बहुत सिंपल है भाई। ये आपके पास एक टावर है, ठीक है। अब इस टावर से यहां पर एक कार चल रही है ए पॉइंट से, और भाई ये चल के बी पॉइंट पर आ गई 6 सेकंड में। ये चल के बी पॉइंट पर आ गई 6 सेकंड में, ठीक है। अब यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है भाई। जो एंगल यानी यहां से जब इस कार को इसने देखा तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का एंगल बनाया भाई? 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक। थर्टी डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार ए से बी पॉइंट पे पहुंच गई, और फिर इसने दोबारा देखा इसको, और अब की बार एंगल इसको 60 डिग्री का पता चला। तो भाई ये 30, ये 60, ठीक है भाई। यहां से 30 डिग्री का और यहां से 60 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा बताओ कार पूरे फुट ऑफ द टावर के पास कैसे पहुंच जाएगी। और ये डी, ठीक है भाई, फुट ऑफ द टावर के पास कैसे पहुंच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो भाई यहां पे टाइम की बात हुई है, यहां पे किसकी बात हुई है? टाइम की बात हुई है। तो जब टाइम की बात हुई है भाई, तो मुझे बस इतना बता दो आप कि क्या हम लोग अभी तक कोई भी डिस्टेंस टाइम में ट्रेवल कर रहे थे? नहीं, डिस्टेंस को मीटर में या किलोमीटर में लेके चलते थे। तो यहां पे भी पहले इस टाइम का कुछ करो कि ताकि डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे भाई? मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो भाई मैं अपनी तरफ से स्पीड लेट कर देता हूं कार की, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, चेंज होगा नहीं कहीं। तो अपनी तरफ से स्पीड लेट कर देता हूं मैं क्या, एक्स। और टाइम क्या लेट कर लेता हूं भाई? भाई टाइम लेट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले केस में तो 6 सेकंड में पहुंचा, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कवर किया उसने 6x। यानी भाई ए से लेके बी तक एक्स दूरी कवर कर रहा है कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 6x, ठीक है। लेकिन जब बी से सी तक जाता है, लेकिन जब बी से सी तक जाता है तो कैसे जाता है भाई? स्पीड तो अभी भी एक्स रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म है, लेकिन टाइम का नहीं पता कि बी से सी तक पहुंचने में टाइम कितना लिया। तो मान के चलता हूं छोटा टी, तो डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स टी। तो यानी भाई यहां पे 6 सेकंड ले रहा था तो इसलिए 6x, यहां पे टी सेकंड ले रहा तो इसलिए एक्स टी। तो लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार तो कितना है? एक्स मीटर पर सेकंड, ठीक है। माना कार की स्पीड, कार की चाल ये, एंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट टावर फ्रॉम सेकेंड पॉइंट। तो क्या है भाई? फ्रॉम सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम सेकेंड पॉइंट तो कितने भाई? टी सेकेंड। कितने सेकेंड? टी सेकेंड। तथा तथा कार द्वारा दूसरे बिंदु तक, तथा
तथा कार द्वारा दूसरे बिंदु तक, सॉरी दूसरे बिंदु से, दूसरे बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय, में लगा समय तो क्या है बच्चों, 30 सेकंड, ठीक है। और हाइट कितनी मान रखी है हमने भाई इसकी, h मीटर, एंड द हाइट ऑफ टावर h मीटर, तथा मीनार की ऊंचाई ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले छोटे वाले में बी सी डी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेन सिक्सटी, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, बेस क्या है बी सी। हाँ भाई टेन सिक्सटी रूट थ्री, डी सी एच, बी सी एक्स टी, एक्स टी वहां ले जाओ, रूट थ्री एक्स टी बराबर एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ठीक है भाई, तो अब इसको मिटाते जा रहा हूं। चलो अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या बन गया टेन थर्टी, परपेंडिकुलर डी सी और बेस कितना है ए सी, टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री, डी सी कितना है एच, ए सी कितना है, ए सी है ए बी प्लस में बी सी, ए सी क्या है ए बी प्लस में बी सी ठीक है, वन बाय रूट थ्री बराबर एच, ए बी कितना है एक्स, सिक्स एक्स, और बी सी कितना एक्स टी, करो क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे करोगे सिक्स एक्स प्लस एक्स टी, रूट थ्री को ऐसे करोगे रूट थ्री एच ठीक है, तो सिक्स एक्स प्लस, हाँ भाई एक्स टी बराबर रूट थ्री, हाँ भाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है रूट थ्री एक्स टी, रूट थ्री एक्स टी, तो ये बन गया सिक्स एक्स प्लस एक्स टी थ्री एक्स टी ठीक है, रूट थ्री थ्री एक्स टी, प्लस का एक्स टी वहां जाके माइनस का एक्स टी, थ्री एक्स टी माइनस एक्स टी, सिक्स एक्स थ्री एक्स में टी एक्स टी किया तो टू एक्स टी, तो एक्स से एक्स कटा, टू से सिक्स कटा थ्री, तो टाइम इज 3 सेकेंड ठीक है। तो मतलब क्या हुआ भाई, तो मतलब हमने क्या देखा कि भाई बी से लेकर सी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने, 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम टेकन, कुल समय, तो कुल समय कितना होगा 6 सेकेंड वहां से, 3 सेकेंड वहां से, तो 9 सेकेंड भाई, 9 सेकेंड में जो है ये कहां पहुंच गया, मीनार के टावर के बॉटम पॉइंट पे पहुंच गया ठीक है। चलो नोट करो फटाफट इसे, इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, फिर 16 खत्म हो जाएगा, फिर एक सेकंड और रह गया वो भी करा दूंगा, फिर देखता हूँ, यानी खत्म हो जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो, तो दो चार क्वेश्चन कराने बस। नोट कर लो ठीक है, बस वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। कह रहा भाई एक टावर है ठीक है, इस टावर के पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा मान लो और एक पॉइंट ये रहा मान लो भाई, कहा है कि जो पहला पॉइंट है वो 4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट भाई 9 मीटर दूर है, किससे, टावर से, ये बी पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट मान लो। अब कह रहा है कि भाई जब यहां से इसके टावर को देखते हैं और जब यहां से इसके टावर को देखते हैं तो दोनों टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एंगल कैसे हैं, एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरक कोण है, और पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो,
भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हुए? ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो सीधी सी बात है, अगर आप दो दोस्तों के पास 90 रुपीज हैं, एक दोस्त के पास 30 रुपीज है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 60 होंगे। बस यही करना था, ठीक है? तो यानी अगर मान लीजिए इसका एंगल थीटा है, तो इसका एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जब एक दोस्त के पास 30 थे तो दूसरे पास 60, तो कैसे किया? 90 में से 30 माइनस कर दिया, 60 आ गया, ठीक है? इस तरीके से। तो इसको नाम दो सी, इसको नाम दो डी। तो कह रहा प्रूफ करो कि इसकी हाइट 6 मीटर है, प्रूफ करो कि इसकी हाइट 6 मीटर है। तो प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले एच मीटर लेट कर लेते हैं। तो यहां लेट करो, लेट द हाइट ऑफ टावर इज, टावर इज एच मीटर। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मीटर, एंड द एंगल ऑफ एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कितना है भाई? थीटा और 90 माइनस थीटा। तथा पूरा कोण है, पूरा कोण है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं ना, पूरा कोण है क्या? थीटा और 90 माइनस थीटा। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, वही परपेंडिकुलर बेस, तो 10 थीटा परपेंडिकुलर क्या है? डी सी। बेस क्या है? बी सी। 10 थीटा, डी सी कितना है? एच। बी सी कितना है? 4। 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 4 tan थीटा एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है? अब की बार ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10, 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर क्या है? डी सी, और बेस क्या है? ए सी। तो 10 90 माइनस थीटा तो बच्चों कॉट थीटा होता है ना, और डी सी हो गया एच, ए सी हो गया 9, क्योंकि पूरे ए सी की लेंथ है 9, ठीक है? 9 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो कॉट 9 कॉट थीटा एच, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई ये भी एच की वैल्यू आई है, वो भी एच की वैल्यू आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, एच को एच से मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वायर, ठीक है? 4 tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 9 cot थीटा से, तो बनेगा एच स्क्वायर। 9 4 36 tan थीटा। और बच्चों cot थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में tan थीटा होता है, tan थीटा से tan थीटा कट गया, एच स्क्वायर बराबर 36, एच बराबर स्क्वायर यहां पर आएगा अंडर रूट 36, बाहर निकलेगा 6। क्या यही हमें प्रूफ करना था? 6 मीटर हो गया। तो ये तो तब है जब 4 नंबर में आए, लेकिन मान लो 1 नंबर में अगर आ जाए, 1 मार्क्स का आ जाए, तो कैसे करोगे? तो 1 मार्क्स का ना, इसका पहले आप थ्योरी समझ लो, पहले इसके कंसेप्ट समझ लो कि भाई अगर एक आपको टावर दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है, और एक जगह से उसका टॉप देखा जा रहा है और एक दूसरी जगह से उसका टॉप देखा जा रहा है, और एंगल आपस में कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल आपस में कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, ठीक है? और एक की लेंथ दे रखी है ए, और पूरे की लेंथ दे रखी है बी, पूरे की, ठीक है? तो ऐसे केस में हाइट का जो रिलेशन होता है वो होता है हाइट बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। हाइट बराबर क्या होता है? ए इंटू बी। चाहे तो देख लो, यही सेम केस हुआ है। ए कितना है? 4। बी कितना है? 9। और देख लो, 9 चौक कितना होता है? 36, और 36 क्या होता है? 6। देखो आ गया, 1 नंबर में ऐसे करना है, लेकिन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, बात ध्यान रखना, ठीक है? इसमें एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, मान लो आपने ए ले लिया 16, ए ले लिया 4, बी ले लिया 16, ठीक है? तो एच बराबर अंडर रूट ए इंटू बी, यानी 4 गुने में 16, तो 16 चौके 64, और 64 क्या होता है? 8। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 8। तो ऐसे भी कर सकते हो 1 नंबर में, ठीक है? नोट करो फटाफट, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। हो गया, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो फटाफट।
है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 7, ये और देख लो फिर खत्म करनी, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6 के टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो इसलिए 7 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिगर में दिया गया है कि ए और बी दो बैंक हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर, रिवर के दो बैंक हैं, तट हैं। अब कह रहा है सो दैट, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बैंक का है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलो भाई मान लो ये नदी है, या जो भी है नदी मान लो, ये लो ये नदी मान ली, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्रिज के ऊपर से, अब मान लो ये पूरा ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज है। अब कह रहा है ब्रिज के ऊपर से किसी पॉइंट से उसने भाई बैंक के एक तरफ देखा, बैंक के एक तरफ देखा, बैंक के एक तरफ देखा, तो 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। बैंक के दूसरी तरफ देखा तो 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखो सीधी सी बात है, इसको नीचे ले आओ, ये 90। भाई ये एंगल क्या कर रहा है भाई, छोटा बन रहा, तो इसका मतलब जरूरी ये पॉइंट दूर होगा इससे, और ये एंगल बड़ा बना रहा तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल पास होगा इसके। अब कह रहा है कि अगर ब्रिज की हाइट बैंक से 3 मीटर है, मतलब ये जो हाइट हमने खींची, ठीक है, ये हाइट 3 मीटर है, ये पूरी हाइट, ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, यानी अगर मैं इसके ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो बताओ भाई इनकी कुल मिला के विड्थ क्या होगी। चलो भाई, हाँ जी, नाम दो इसको जरा, ए बी सी डी, खत्म कहानी, हो गया। लिखेंगे लेट द डिस्टेंस, या एक काम करो लेट द विड्थ ऑफ, लेट द विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू ए प्लस बी। माना नदी की चौड़ाई, ठीक है, ए प्लस बी, ये हो गया विड्थ होगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक फ्रॉम द एंगल पॉइंट तो कितना है बच्चों, ए एंड बी, ठीक है, तट से कोण बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है जी। चलो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस 1045, परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी डी 1 3, ए ए बराबर 3 मीटर, ठीक है भाई। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी बेस 1030, परपेंडिकुलर ए बी, बेस आपका बी सी 1/√3, ए बी 3, ये बी, बी उधर √3, इधर 3√3, तो ये आ गया बी। नाउ विड्थ, विड्थ ऑफ रिवर, तो बच्चों रिवर की विड्थ कितनी हुई, ए प्लस बी, ए कितना है 3, बी कितना है 3√3, 3 कॉमन ले लो, 1/√3 मीटर, इतना आंसर आ गया कि भाई रिवर की इतनी विड्थ है, रिवर की इतनी विड्थ है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन सारे खत्म, अब
अब कुछ बचा नहीं, ठीक है? तो आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इससे बेटर क्वेश्चंस, ठीक है? सॉरी, बेटर क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू करूंगा, 12th चैप्टर, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड इट्स, नहीं, सर्कल, सर्कल है, ठीक है? सर्कल, सर्कल एंड इट्स एरिया, ठीक है? चलिए, बाय।